आज की वीडियो ना कतई दमदार होने वाली है। अब आप लोग ना अपने फोन के इंटरनल रैम को ना एक्सटेंड कर पाओगे, यानी कि उसे बढ़ा सकते हो जितनी चाहो उतनी। चौंकने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बात और मैं आप सभी को यह भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग के जो फोन के साथ आता है ना रैम, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, जितना भी रैम आता है उसके जितना परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाएगा। देखा? धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो मेरे कोई भी सींग नहीं निकल रहे। जब आप लोग गेम वगैरह खेलते हैं ना तो थोड़ा एक्सटर्नल रैम की जरूरत पड़ती है, तो कोई और काम ज्यादा ऐप्स वगैरह हो जाते हैं तो एक्सटर्नल रैम की जरूरत पड़ती है, तो उसमें ये ट्रिक को आप लोग यूज कर सकते हैं। और वीडियो होने वाली इंपॉर्टेंट, तो इसे बिना स्किप किए कंप्लीटली जरूर देखें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटी सी ऐप्स को इंस्टॉल करनी होगी। तो इसके लिए आपको चलिए प्ले स्टोर को ओपन करना है। सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है स्वाइप नोट रूट। यहाँ पे स्पेलिंग की बात करें तो देख सकते हैं SWIP नोट रूट। ओके, इस तरह का आपको आइकन शो हो जाएगा। और इसकी रेटिंग वगैरह की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 की रेटिंग और इसे 1 मिलियन प्लस लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ओके, और इसकी साइज वगैरह की बात करें तो बस 3.1 MB की ये ऐप्स है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ना बिल्कुल इस तरह का इंटरफेस के साथ ये आपका ओपन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट स्वाइप, आपको कितना एमबी, मतलब कितना एमबी या जीबी आपको एक्सटेंड करना है, ये आपका इंटरनल जो आपका स्टोरेज है उसको यूज करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी जैसे हमारा इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं रैम एंड स्टोरेज 30.83 GB हमारा भी यूज है। ओके, ये हमारा इंटरनल यूज करेगा और रैम को एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 30.83 GB है। जैसे मैं 20.48 यानी कि लगभग 2 GB एक्सटेंड करना चाहता हूँ। ओके, क्रिकेट स्वाइप यहाँ पे देख सकते हैं नो रूट, यस, ये हमारा हो रहा है प्रीपेयरिंग, तो थोड़ा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, मतलब जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही आप लोग एक्सटेंड करें। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ये हमारा रैम देख सकते हैं अभी 30.83 था। बैक आके फिर जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 30.98, यानी कि हमारा ये इंटरनल जो स्टोरेज है उसको इन्होंने यूज किया और हमारे रैम को एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं जितनी चाहे उतनी। और इसे जब डिलीट करना हो तो सिंपली डिलीट स्वैप। ओके, ये हमारा डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अब हमारा नॉर्मल आ गया होगा रैम एंड स्टोरेज, फिर से आ गया हमारा 30.83। तो इस तरह से आप लोग बढ़ा सकते हैं आप लोग अपने ज़रूरत के अनुसार। तो जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? तो सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही होगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना बेल आइकन पे भी क्लिक करना होगा ताकि आप सभी को हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट भी करते रहिएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ना वो भी आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग मुझसे बातें करना चाहते हैं तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग फॉलो करके वहाँ मुझसे बातें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।